जलीलपुर हस्तिनापुर के बीच बने गंगा नदी के पुल पर बार बार गंगा नदी में बह रही सड़क की एम्प्रोच मिट्टी कटान को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जियो ट्यूब द्वारा गंगा पुल पर सड़क का मिट्टी कटान को रोकने का किया जा रहा प्रयास। आपको बता दें कि हस्तिनापुर चांदपुर के बीच मध्य गंगा नदी पर बने नवनिर्मित पुल की एप्रोच बार बार टूट रही है, जिस पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा खाना पूर्ति कर सही किया जाता है। वही गंगा नदी में पानी आते ही भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। जियो ट्यूब पिटी कॉन्ट्रैक्टर राजवीर सिंह ने बताया। राजवीर सिंह नाम है मेरा। क्या पद है आपका? मैं एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये मड पंप है, ये बालू निकाल रही है जिससे कि कल बोरे भरे जा सकें, लेबर भरेगी बोरे, और इसका नीचे की एप्रन तैयार करेंगे हम, जिसमें जियो ट्यूब नाम का एक बहुत बड़ा बैग है वो भरा जाएगा, और ये जो है कटाव जल्दी से जल्दी रोका जाएगा। लगभग कितना समय लग जाएगा इसको रोकने में? देखो समय तो एक हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। कब से आपने काम शुरू करा है? ये 2 दिन से प्रयास चल रहा है, आज सफलता मिली है। बालू जो है बहुत बारीक है, अंदर गंगा जी में आप देख भी सकते हो, बहुत कम बालू दे पा रही है मशीन। ये जो जियो ट्यूब है इसके बारे में जानकारी बताओ। जानकारी ये अपने आप में बहुत बड़ा बोल्डर है, और इसे लगने के बाद हमें सफलता 100% मिलने की संभावना है। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मोहम्मद यामीन। क्या क्या कारोबार है? यहाँ हमारा जो है ना सप्लाई का काम है, नमकीन टॉफी बिस्किट वगैरह का, और हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, हमारे दुकानदार भी परेशान हैं, और ये 26 तारीख से टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन कहता है चालू है लेकिन ये चालू नहीं हो रहा, हमें काफ़ी दिक्कत का सामना, लॉस है काफ़ी हमें कारोबार में इस तरह से। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये देखिए चालू नहीं है ना, ये हमारी बाइक भी नहीं जा पा रही इधर ना उधर। कहाँ कारोबार करते हैं आप? मवाना में, हस्तिनापुर मवाना। कहाँ से? बास्टा से। आज आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं ये देखने के लिए आया था कि हमारा सामान जा सकता है नहीं जा सकता।